टाइम बिरयानी के व्लॉग में फिर से आपका एक बार वेलकम है। वैजाग पार्ट टू, पार्ट वन आपने नहीं देखा अभी तक तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर देखिए। हम वहाँ से सीधा निकल के आ गए हम टाइटैनिक के पास में। ये टाइटैनिक नहीं है, टाइटैनिक है। ये देखो मेरे पीछे डोरेमोन साहब, क्या है डोरेमोन साहब? ये टाइटैनिक की टू पार्ट है, वन पार्ट नहीं। टाइटैनिक को पानी में से निकाल के हम आया लाए इसको, अभी बहुत मेहनत करना पड़ा इसको पानी के लिए, अच्छे से बड़ा की खींच। चलो आगे जाके देखेंगे बस। चलते हैं, टाइम हो गया, अभी हम लोग सबमरीन देखने जाना है, फिर वहाँ पर टाइम ख़त्म हो जाता। चलो बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, आज एक दिन में ही हमको बहुत ज़्यादा पॉइंट्स घूमना है। तो यहाँ पे थक के बैठ गए, देखो डोरेमोन और समीर भाई, जिलानी भाई। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कुरसुरा सबमरीन म्यूज़ियम, जो कि एक रियल सबमरीन है जिसको अभी म्यूज़ियम बना दिया गया है। ये बे ऑफ बंगाल के समंदर किनारे सबमरीन म्यूज़ियम। तो फाइनली हम आ गए भाई कुरसुरा सबमरीन म्यूज़ियम, यहाँ से हमको अंदर जाना है। यहाँ पे अंदर जाने के लिए 70 रुपये की टिकट लेना पड़ेगा और 50 रुपये एक्स्ट्रा अगर मोबाइल से कुछ वीडियो वगैरह शूट करने के लिए। 9 अगस्त 2002 को इसका इनॉग्रेशन चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के जब सीएम थे उन्होंने किया था। ये एक रियल सबमरीन है जिसको इंडियन नेवी यूज़ करती थी, अभी इसको म्यूज़ियम बना दिया गया। ये देखिए अंदर जाते कि एंट्रेंस पे, ये जो देख रहे हैं आप लॉन्च फायर टर्पीडो कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम है जिससे फायर करते थे पहले। ये पूरा रियल है सबमरीन, आगे जाने का रास्ता पीछे से रास्ते से है क्योंकि इसको भी टूरिस्ट के लिए यहाँ से रास्ता बना गया। यहाँ में देखो सबमरीन में रहते हैं वो लोग, कितना छोटा सा वाश बेसिन यूज करते हैं फ्रेश होने के लिए। ये अंदर जाते रेड साइड पे देखिए फर्स्ट कैप्टन का कैबिन है, और आगे बढ़ते लेफ्ट साइड में एक कैबिन है जिसमें और एक दूसरे कैप्टन का कैबिन है, कंट्रोलर सिस्टम। ये एक लौता सबमरीन म्यूज़ियम है जो पूरे एशिया में सिर्फ एक ही है, पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी नहीं है, यहाँ पर एक ही है और ये पूरा रियल है। ये एक देखिए उसमें सब में बड़ा कैबिन एक है जो जिसमें खाना वगैरह खाते थे। यहाँ पे ना तो गाइड है और ना कहीं लिखा हुआ है, कुछ पढ़ भी नहीं सक रहे यहाँ पे, बस देखना पड़ रहा खाली। वैसे ये सबमरीन के ऊपर एक गाजी मूवी भी आई हुई है जिसमें सब कुछ बताया गया अंदर का। ड्रीम इंडेक्टर्स बता रहा है इसके नाम तो। अम्मा का तो लेकर असल है ना। चलो आ जा। ये अंदर कुछ भी कवर नहीं है, सब ओपन है। ये केबिन सबसे खास है, देखो पूरा सिस्टम कंट्रोलर यहीं से होता, बस इसमें थोड़ा सा लिखा हुआ आगे कुछ है नहीं। ये देखिए किचन यहाँ का, सबसे मेन एरिया यहीं पे है, पूरे कंट्रोल्स और पूरे मीटर्स वगैरह यहाँ पे है। देखो ये मेन इंजन डीजल का कंट्रोलर है,
2000 hours power used for propulsion, battery charging. यहाँ पे जितने भी कैप्टन्स रहते हैं उनके लिए वॉशरूम और टॉयलेट कितना है देखिए आप। यहाँ पर टॉयलेट में भी सब इंजन्स का काम वगैरह सब कुछ यहाँ से कनेक्शन है। यहाँ भी बताओ देखिए वाटर क्लोज्ड लेबोरेटरी। ये रेड सेट पे देखिए बे ऑफ बंगाल समंदर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ से निकल के ये पॉइंट को तो कवर कर लिए। सबमरीन को एक्सप्लोर कर लिए, अब यहाँ से बाहर निकलेंगे और आज के और तो एक दो पॉइंट्स है वहाँ पर जाएंगे। बहुत टाइम ज़्यादा हो गया। इसके सामने ही बिल्कुल एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम है तो देखेंगे वहाँ जाएंगे या तो फिर पहले दूसरा एक पॉइंट जाना है वहाँ पर जाकर आएंगे। ये अभी जो आप देखिए सबमरीन म्यूज़ियम, इसके सामने ही ये बिल्कुल देखिए एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम है। लेकिन हम आपको दूसरी जगह जाना है, पहले उधर जाके अगर टाइम रहा हो तो इधर आएंगे फिर।